आइए अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो प्री फैब्रिकेटेड या प्री इंजीनियर स्टील बिल्डिंग सिस्टम्स के निर्माता हैं और बाजार में अपनी एक अलग जगह बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मल्टी डेकोर इंडिया की। आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। मल्टी डेकोर इंडिया प्रीफैब और प्री इंजीनियर्ड सेगमेंट में एक उभरता हुआ खिलाड़ी है। वर्ष 1992 में निर्मित मल्टी डेकोर इंडिया फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। कंपनी की स्थापना श्री आर सी चौधरी ने की थी, जिसके बाद 2010 में उनके बेटे श्री प्रदीप चौधरी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। ये कंपनी मेरे डैड ने 28 साल पहले शुरू की थी। तब ये कंपनी बहुत ही अलग ढंग से काम करती थी। मैंने इस कंपनी को 2010 में ज्वाइन किया आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए फ्रॉम आईएम इंदौर। उसके बाद मैंने सारा फोकस सिस्टम और प्रोसेस डिज़ाइन करने पे लगाया, ताकि कंपनी काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और हर एम्प्लॉय एक सिस्टम से काम करे, एक प्रोसेस से काम करे। इन लास्ट 9 सालों में हमने इस कंपनी को एक नए जंप्स की तरफ बढ़ाया है। वी हैव टेकन अ मल्टीफोल्ड जंप्स ईयर ऑन ईयर। पूरे भारत में उपस्थिति के साथ मल्टी डेकोर इंडिया कई तरह के प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाती है। ये इंटीरियर्स और प्रीफैब समाधान भी प्रदान करती है, जो अत्यधिक कार्यात्मक, आंतरिक साज सज्जा और लागत कुशल होती है। कहने की जरूरत नहीं कि उनका मोटो कम से कम समय में सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रीफैब संरचनाओं को अपने ग्राहकों को प्रदान करना है। हम लोग इंडिया के कई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी सप्लाई डायरेक्टली राष्ट्रपति भवन में गई हुई है। हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर चुके हैं। हम लोग इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट कुनन कुंडलम में हम लोग की सप्लाई गई हुई है। गंगा ब्रिज की बात करें पटना में, वहाँ हमने सप्लाई दी है। ईश्वर सेतु ब्रिज की बात करें कोलकाता में, वहाँ हमारी सप्लाई है। हम लोगों की सप्लाई MTHL मुंबई में है। मल्टीपल जगह हम काम कर चुके हैं। करेंटली हम लोग लार्ज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ काम कर रहे हैं। हम डिफेंस सेगमेंट में भी हैं और हम स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसे टेंडर्स में भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं टू टच अपॉन द लाइव्स ऑफ जनरल पीपल, ताकि लास्ट हमारे जो लेग है, लास्ट हमारे जो लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में हो गए, जो हॉस्पिटल्स बनाने में हो गए, हम डायरेक्टली आंगनवाड़ी इन सब प्रोजेक्ट में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट की जहाँ तक बात है, हम लोग जापानीज़ के साथ काम कर चुके हैं, नॉर्वेजियन क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं, तो हम लोगों का इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी ही अच्छा है। मल्टी डेकोर इंडिया का उत्पाद और ग्राहक पोर्टफोलियो अद्वितीय और विविध है और वे प्रीफैब सेगमेंट में एक बड़े मार्केट शेयर पर कब्जा करने का दावा करते हैं। आज के दिन में इंडिया का प्रीफैब मार्केट $14 बिलियन पे है, जो कि औसतन 1.4 बिलियन स्क्वायर फीट होता है। हम इस मार्केट में ऑलरेडी पैन इंडिया काम कर रहे हैं। हम लोग डोमेस्टिक मार्केट को ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। अब हम इसमें नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हम नए प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल भी लेके जाना चाह रहे हैं। रिसेंटली हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स इंडियन डिफेंस को दिए हैं, इंडियन आर्मी को दिए हैं, जिसका अप्रूवल हमारे पास आ चुका है और हम जल्द ही इंडियन फोर्सेस को सप्लाई देना शुरू करेंगे। मल्टी डेकोर इंडिया ने ISO 9001 2008 से गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त किया है। एक गुणवत्ता केंद्रित संगठन होने के नाते निर्माण सामग्री को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में विश्वसनीय विक्रेताओं से प्राप्त किया जाता है। उनके उत्पाद में से ये एक सैंपल फार्म हाउस है, जो बेहतर गुणवत्ता वाले प्रीफैब सामग्री से बना है। इस तरह के उत्पादों को दुनिया भर में उनके आकर्षक डिजाइन, स्थायित्व, आंतरिक साज सज्जा का सही उपयोग और उच्च तन्यता ताकत के कारण बड़े पैमाने पर मांग की जाती है। हम लोगों ने रिसेंटली नया फार्म हाउस कंसेप्ट लॉन्च किया है, जो कि एक लग्जरी फार्म हाउस कंसेप्ट है, जो कि हाई एंड HNIs के लिए है। दिस फोकसेस ऑन द पीपल हु हैव द मनी एंड एट द सेम टाइम उन्हें एक स्पीडी और क्वालिटी डिलीवरी चाहिए। इसमें हम लोग पर्सनलाइज टच दे रहे हैं वाया आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर सर्विसिंग, जो कि फ्री आ रही है। तो हमने अभी रिसेंटली लग्जरी फार्म हाउस कंसेप्ट भी लॉन्च किया है। सारे टेक्नोलॉजीज और सारे कोर्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में फीड होते हैं और सारे बिल्डिंग सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन होकर आउट होती हैं। अगर हम बात करें कि
ये बिल्डिंग की लाइफ कितनी आएगी, ये 25 से 30 साल ये बिल्डिंग कहीं नहीं जाती। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये बिल्डिंग कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकती है अगर आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी रहे, इसमें आप स्टील को ऑप्टिमली यूज़ कर पाएँ। ये बिल्डिंग आज के दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी लो कॉस्ट हाउसिंग में भी यूज़ हो रही है। कुछ कारक हैं जो मल्टी डेकोर इंडिया को सबसे पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। उन्नत विनिर्माण उपकरण और तकनीक, उच्च गुणवत्ता, मजबूत रसद समर्थन, आसान भुगतान विकल्प, पारदर्शी व्यवहार, नैतिक व्यावसायिक नीतियां, विशाल वितरण नेटवर्क, शीघ्र ग्राहक सेवाएं और उत्पादों की समय पर डिलीवरी। हमारे लिए सफलता तीन मेन चीज़ों पे हम लोग उसको फोकस करते हैं। नंबर वन हमारा रिसर्च, जिस पे हम हर साल नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। नंबर टू कस्टमर सर्विस, इसमें आई एम प्राउड टू से कि हमारा रिटेंशन रेट कस्टमर का ऑलमोस्ट 100% है। दैट मीन्स हमने 28 साल में कस्टमर लूज नहीं किया है। तीसरा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जिसका मतलब है यहाँ पर कोई एक हीरो नहीं है, यहाँ एक पूरे परिवार की तरह है, पूरे टीम की इसमें एक मुख्य भागीदारी है और हर एक को इसका बराबर श्रेय जाता है। नवीनतम रुझानों के अनुसार अपने कौशल और ज्ञान में सुधार करने के लिए ये कंपनी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र, कार्यशालाएं और कौशल वृद्धि कार्यक्रम आयोजित करती है। 2018 में मल्टी डेकोर इंडिया को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वित्त पोषण मिला ताकि भारत में रोजगार के अवसर बढ़े। एम्प्लॉयज की लर्निंग और डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। हमने लास्ट ईयर स्टैनफोर्ड सीड से पार्टनरशिप की और स्टैनफोर्ड सीड ने हमारी कंपनी को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के तहत इंक्रीज करने के लिए चुना। हमारी सारी स्ट्रैटेजीज आज के दिन में डायरेक्टली स्टैनफोर्ड सीड की फैकल्टी के द्वारा बनाई गई। मल्टी डेकोर टीम के अविश्वसनीय और ईमानदार प्रयासों ने निश्चित रूप से उन्हें उद्योग में एक प्रतिष्ठित उद्यम के रूप में उभरने में मदद की है।